आपने अक्सर लोगों को गुस्से में ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि मैं तेरी खाल खींच लूंगा, पर क्या कभी आपने असल जिंदगी में ऐसे बंदे के बारे में सुना या देखा है? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही शख्स के बारे में। इनसे मिलिए, ये है जापान के डॉक्टर फुकुशी मसाइची। दुनिया में अपने टैटूज के लिए एक से एक दीवाने देखे होंगे, पर इनसे बड़ा कोई दीवाना नहीं दिखा होगा। इनकी दीवानगी का अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि इनको टैटूज वाले आदमियों की खाले इकट्ठे करने का बड़ा शौक था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डॉक्टर फुकुशी मसाइची दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन टैटूड स्क्रीन कलेक्टर हैं। ये डॉक्टर, अगर मैं आपसे सीधी बात बताऊं तो उन लोगों की टैटू वाली खाल उतार कर अपने कलेक्शन में रखते थे। अब ये शौक उनको कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। चलिए, डॉक्टर मसाइची का जन्म 1878 में हुआ था। उनका बचपन से ही मेडिकल में इंटरेस्ट था। उन्होंने टोक्यो में इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में पढ़ाई की, उसके बाद जर्मनी में बाकी की पढ़ाई की। आगे चलकर ये एक फिजिशियन, पैथोलॉजिस्ट और निपोन मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर बने। वो बॉडी पर होने वाले तिल मस्से और पिगमेंटेशन पर स्टडी कर रहे थे। बस यहीं से ही इन जनाब को टैटू स्किन इकट्ठे करने का शौक चढ़ा, खासकर जैपनीज बॉडी सूट बनाने का। कहा जाता था कि डॉक्टर मसाइची काफ़ी टाइम से टोक्यो के मित्सुई इम्पोरियल हॉस्पिटल में काम करते रहे और वहाँ वो मेनली छोटे तबके या फिर कह लीजिए कि ज़्यादातर गरीबों के इलाज में हेल्प करते थे। इस तबके में ज़्यादातर दिहाड़ी वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और गैंगस्टर होते थे। इन जनाब को टैटूज का इतना ज़बरदस्त शौक लगा था कि इन्होंने उसका एक कलेक्शन बनाने की सोची और इसके लिए ये टैटूज वाले आदमियों को पैसे देकर, उनकी मंजूरी लेकर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते थे कि उनके मरने के बाद उनकी खाल उतार ली जाएगी, जिस पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर फुकुशी मसाइची का हक होगा। यहाँ तक कि जो लोग अपनी मर्जी से अपनी स्किन डोनेट करना चाहते थे पर टैटू अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए डॉक्टर मसाइची खुद अपने खर्चे पर टैटू बनवाते थे। मित्सुई हॉस्पिटल में काम करते करते उनकी दोस्ती टैटूज वाले पेशेंट से हुई और साथ ही कुछ टैटूज लीग के मेंबर से, और ये टैटूज लीग के मेंबर एक बात हाउस में इकट्ठे होते थे अपने टैटूज की कला को एक दूसरे को और डॉक्टर को दिखाने के लिए। अपने कलेक्शन में डॉक्टर मसाइची के पास अब तक 3000 से भी ज़्यादा टैटूज की फोटोग्राफ्स, उनके कुछ नोट्स, कुछ टेप्स और 100 से भी ज़्यादा ह्यूमंस की टैटूज वाली स्किन का कलेक्शन जमा हो गया था। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जापान में हुई बमबारी की वजह से उन्हें अपने कुछ कलेक्शन से हाथ धोना पड़ा, फिर भी उन्होंने काफ़ी स्किन बचा ली थी। ये भी सुनने में आता है कि डॉक्टर मसाइची ने अपने कुछ स्किन अमेरिका के सफर के दौरान शिकागो एयरपोर्ट पर खो दी थी। एयरपोर्ट से उनके स्किन से भरा एक सूटकेस चोरी हो गया था। इसके बाद डॉक्टर मसाइची ने टोक्यो यूनिवर्सिटी के मेडिकल पैथोलॉजी म्यूजियम में अपने कलेक्शंस का सेटअप लगाया, जिसमें उनकी बॉडी सूट्स, नोट्स और उनकी रिसर्च से जुड़ी ज्यादातर चीज़ें वहाँ लगाई। पर यह कलेक्शन आम जनता के देखने के लिए अवेलेबल नहीं है। 1983 में डॉन एड हार्डी वो एक लकी शख्स थे जिन्होंने डॉक्टर मसाइची का कलेक्शन देखने को मिला, जो कि खुद एक बहुत बड़े टैटू आर्टिस्ट है। मसाइची कहा करते थे कि एक महान कला हमेशा जिंदा रहती है, जो कि सच भी था। डॉक्टर फुकुशी मसाइची के जाने के बाद उनका कलेक्शन अब उनके बेटे फुकुशी कत्सुनारी संभालते हैं। बॉडी सूट कलेक्ट करना डॉक्टर मसाइची के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ उन्हें उसकी वजह से अच्छी खासी शोहरत मिली, खासकर इरिजुमी कम्युनिटी में उनकी काफ़ी इज्जत दी। जापानीज़ भाषा में टैटूज को ही इरिजुमी कहा जाता है। जाते जाते आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि डॉक्टर मसाइची की बॉडी पर कभी कोई टैटू नहीं था, यानी उन्होंने कभी कोई टैटू नहीं बनवाया। शौक बड़ी चीज़ है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे ही नवाबी शौक या कुछ अजीब शौक हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह खुला है। तब तक के लिए रब रखा।